उत्तराखंड में आज से शुरू होगा सियासी संग्राम। श्रीनगर से बीजेपी शुरू करेगी जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में आज से सियासी संग्राम शुरू हो रहा है। इसके साथ ही साथ खटीमा में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसमें मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इसमें पहुंचेंगे। तो सियासी संग्राम की शुरुआत उत्तराखंड में हो रही है। श्रीनगर से बीजेपी शुरू करेगी जन आशीर्वाद यात्रा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। खटीमा में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालेगी और दोनों ही तरफ से बड़े नेता मौजूद होंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल परिवर्तन यात्रा में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहुंचेंगे और जनता के साथ सीधे जुड़ाव के लिए जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद बीजेपी लेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मौजूद हैं। पंकज, आज सियासी संग्राम की शुरुआत हो रही है, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा तो दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कहां कहां ये यात्राएं पहुंचेंगे? बिल्कुल जया, देखिए आज से उत्तराखंड में चुनावी आगाज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड के मुख्य दल हैं और दोनों ही दल एक दूसरे को मात देने के लिए आज से चुनावी जो रैलियां हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा से परिवर्तन यात्रा का आगाज आज करने जा रही है, जिसमें सभी पार्टी के बड़ा नेता रहेंगे। और इसमें खास बात एक ये भी रहेगी, क्योंकि नए निजाम बदले हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं नगरेश गोदियाल, उनकी अगुवाई में ये पहला बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी रहेगा और ये भी रहेगा कि गणेश गोदियाल का कितना बड़ा वर्चस्व है पार्टी संगठन में और किस तरह से वो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर फोकस इस पर किया जाएगा। और खास बात ये भी रही, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा से होगा और उन्हीं की विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट 2017 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुल लगभग तकरीबन 2500 वोटों से वो हारे थे। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा और ये पहली जो परिवर्तन यात्रा होगी ये खटीमा से सीधे निकलेगी और किच्छा होते हुए उधम सिंह नगर की जो 4-5 विधानसभाएं हैं शुरुआती दौर पर उस पर पूरी तरह से उनको कवर करेगी और ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि पिछले 4.5 सालों में जो भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है उसने जनहित में कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन उसके तोड़ में भाजपा ने एक परिवर्तन की रैली के सापेक्ष एक यात्रा शुरू कर दी है। वो बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होगी, उसमें एक जन आशीर्वाद रैली होगी। ये श्रीनगर में होगी, ये श्रीनगर में इसलिए की जा रही है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल वहां से चुनाव लड़ चुके थे 2012 में और जीते भी थे, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र से ये होगी और वो रैली के रूप में होगी। जनसभा को संबोधित किया जाएगा, तमाम नेता उसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और वहां पर ये कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड में जो भाजपा सरकार रही है 2017 से लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है और तमाम अब उसी क्रम में आज पूरे दिन तस्वीरें आएंगी, अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया जो जानकारी आपने दर्शकों